टोंक जिला मुख्यालय पर ईद उल अजहा की नमाज ऐतिहासिक दरगाह परिसर में संपन्न हुई, जिसमें शहर के हजारों नमाजियों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ की। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से लगाए पेंट में डीएसपी सलह मोहम्मद और कांग्रेस ने नेताओं ने सभी का अभिवादन करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी नहीं होने की चर्चा इस दौरान रही। वहीं नमाज के बाद हुई रिमझिम बरसात के बाद नमाजियों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि टोंक का ऐतिहासिक ईदगाह राजस्थान की सबसे बड़ी ईदगाह में शुमार है। यहाँ पर 35 से 40 हजार के करीब लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर लोगे घने पेड़ों की छाया के साथ ईद के दिन नमाजियों के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पर ईद के लिए करीब 800 टोंटियां वजू के लिए लगाई जाती है। नवभारत समाचार के लिए राजस्थान के टोंक से केशव राज सेन की रिपोर्ट। मैं सब वतन वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अपने मुल्क को और अपनी मिल्लत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में हर किस्म की बुराइयों से हिफाजत फरमा कर हमें चैन और सुकून के साथ रखे और इसमें बड़ी तरक्की हो और हमेशा हिंदुस्तान का आम बुलंद रहे और हमारी उम्मत में इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे, अच्छे किस्म के हालात हों। इसकी तैयारी में माशाल्लाह वो तमाम इंतज़ाम था। अल्लाह का शुक्र है कि प्रशासन ने भी इसमें काम किया है और नगर परिषद ने और दूसरे लोगों ने अभी तो बहुत सारे नाम थे वो मेरे उन सब ने बड़ी पुलिस ने भी बड़ा अच्छा काम किया। पर हमारे पास यहाँ मतलब यहाँ मोहिन भैया का भी अल्लाह ने बहुत बहुत और आप लोगों भी अल्लाह मोहब्बत से रखे आपने हमारे खातिर इतनी कुर्बानी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। हम लोग कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी 3 रोज तक होती है। ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा वाजिबा है। इस पर इंशाअल्लाह हम कायम रहेंगे और अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए हमारी। ये दुआ अज़मत वाज़ जुमला जहाँ।